नमस्कार बांग्लादेश से काठमांडू जा रहे हाँ एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, लैंडिंग इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर हुई है फ्लाइट पर सत्तर पैसेंजर्स सवार थे इसके अलावा क्रू और एक छह साल का बच्चा भी था विमान में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से फ्लाइट को अचानक पटना एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा फायर ब्रिगेड और पटना एयरपोर्ट की अथॉरिटीज इस वक्त मौजूद है पैसेंजर्स को इस वक्त तक प्लेन से नहीं उतारा गया है बता दे कि टेक ऑफ के बाद पायलट को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ उसके बाद उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर कांटेक्ट किया और वहां बताया कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने की जरूरत है जिसके बाद फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया वहां पर पहले से ही फायर ब्रिगेड मौजूद थी और अभी भी एयरपोर्ट की अथॉरिटीज जो है और सिक्योरिटी के लोग वहां पर पहुंचे हैं लेकिन अब तक पैसेंजर्स को प्लेन से नहीं उतारा गया है विमान में क्या गड़बड़ी हुई क्या नहीं इसके लिए अब तक और जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है लेकिन पायलट ने जैसे ही प्लेन टेक

और पैसेंजर्स की सेफ्टी को रिस्क पर नहीं डाला जा सकता था जिसकी वजह से क्रू ने तुरंत फैसला लिया कि पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी पटना एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड भी मौजूद है और आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है उसके भी सारे सदस्य वहां पर है और पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है फ्लाइट में सत्तर पैसेंजर्स हैं जिनमें एक छः साल का बच्चा भी है इसके अलावा फ्लाइट के जो क्रू के सारे मेंबर्स है वो सारे लोग फ्लाइट पर मौजूद थे और इमरजेंसी लैंडिंग हुई एक बार के लिए जो अब फ्लाइट को देखा गया कि उसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी जो तो पैसेंजर्स के अंदर एक बार हर तो ज़रूर हुई थोड़ी घबराहट भी हुई लेकिन अभी फ़्लाइट ठीक तरीके से पटना एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है तकनीकी दिक्कत को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए इंजीनियर को भी वहां पर बुला दिया गया है यानी कि इंजीनियर को भी तत्काल वहां बुलाया गया था फ्लाइट के जो भी चीज है उसे ठीक करने के लिए क्योंकि जैसे ही फ्लाइट ने काठमांडू के लिए बांग्लादेश से टेक ऑफ किया था उसके बाद ही पायलट को ये चीज समझ में आ गई थी कि फ्लाइट में तकनीकी दिक्कत है शायद काठमांडू तक तो का सफर अगर तय करेंगे तो पैसेंजर्स की जो सेफ्टी है उस पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है इसीलिए पटना एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया गया सारी सिचुएशन उन्हें बताया गया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पर कराई गई तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की पटना एयरपोर्ट से सामने आई है अब आगे देखना होगा क्या इससे जानकारी निकलकर सामने आती है कि आखिरकार क्या ऐसी तकनीकी खराबी थी और क्या कुछ पैसेंजर्स से जुड़ी बातें भी सामने आती है क्योंकि अब तक जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पैसेंजर्स को कोई भी जान का नुकसान होने की बात सामने नहीं आई यानी कि सत्तर के सत्तर जो पैसेंजर्स हैं वो अब तक सेफ है लेकिन अब देखना होगा कि फ्लाइट कब वापस टेक ऑफ करती है पटना एयरपोर्ट से बाकी के तमाम खबरों के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं धन्यवाद